हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग जानते ही हो, दिसंबर के अंदर जो है एस्टेट का एग्ज़ाम होने वाला है। एस्टेट की डेट्स जो है अनाउंस कर दी गई है। बहुत जल्द जो है इसके नोटिफिकेशंस और कंप्लीट शेड्यूल जो है रिलीज़ कर दिया जाएगा। तब तक अगर जो है हम देखें तो सेप्टेम्बर इस टाइम हो चुका है और दिसंबर के अंदर जो है ये एग्ज़ाम होने वाला है, यानी लगभग 2 महीने जो है इस एग्ज़ाम के लिए रह चुके हैं कम्प्लीट जो है, अगर आपको प्रिपरेशंस की करनी है। हर बार जो है एस्टेट जो दिसंबर या नवंबर के अंदर जो है लिया जाता है। और अगर हरियाणा के अंदर आपको टीचिंग जो है प्रोफेशन अपनाना है, गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम्स के लिए जो है क्वालिफाई होना है, तो आपको एस्टेट करना जो है ज़रूरी होगा, उसको क्वालिफाई करना ज़रूरी होगा। इसके अंदर जो है जनरल कैटेगरी को 90 मार्क्स और बाकी रिजर्व कैटेगरीज को 82 मार्क्स की ज़रूरत होती है। तो ये जो है एस्टेट काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हरियाणा के अंदर इस टाइम जो है बहुत सी वैकेंसीज आई हुई है और वहाँ पर जो है वन ऑफ द पैरामीटर्स जो होता है क्वालिफिकेशन के लिए, वो होता है आपका एस्टेट का क्वालिफाई करना, चाहे वो फर्स्ट लेवल हो, सेकंड लेवल हो या फिर थर्ड लेवल हो। अकॉर्डिंग टू द टीचिंग एग्जाम तो वहाँ पर जो है आपको एस्टेट क्वालिफाई होना चाहिए। इस टाइम जो है एस्टेट क्वालिफाई करना अगर इम्पोर्टेंट हो जाता है तो क्या क्या जो है आपको करना चाहिए एग्ज़ाम के लिए, जिसके जिससे जो है आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाना चाहिए। मैंने भी जो है स्टेट का एग्ज़ाम 2 बार दिया हुआ है। फर्स्ट टाइम जो मेरा एग्ज़ाम यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ था, बट जब मैंने सेकंड टाइम एग्ज़ाम यहाँ पर दिया था तो मेरा यहाँ पर जो है 100+ स्कोर आया था। तो इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे कौन कौन सी गलतियाँ की थी जिसकी वजह से मेरा स्टेट जो है क्वालिफाई नहीं हो पाया था। मेरे वहाँ पर जो है 75+ मार्क्स ही बन रहे थे, बट नॉट 80। नेक्स्ट टाइम मैंने जो है वहाँ पर 100+ स्कोर किया था। तो वहीं जो है मैंने एक साल उसको देखा कि मैंने क्या क्या जो है वहाँ पर गलतियाँ की थी, और नेक्स्ट टाइम मैंने जो है वो रिपीट नहीं करी थी, जिसकी वजह से मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर यहाँ पर बन पाया था एस्टेट के अंदर। साथ ही साथ में बात करेंगे कि क्या एस्टेट के लिए सिर्फ NCERT काफ़ी रहेगी या फिर आपको अपने सब्जेक्ट के लिए NCERT से बियॉन्ड भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले अगर हम बात करें कि एस्टेट के लिए जो है NCERT इनफ रहेगी या फिर नहीं, अगर हम बात करें तो एस्टेट के लिए जो है जनरल कैटेगरी को 90+ स्कोर करना जरूरी होता है। 90+ स्कोर की बात करें तो वहां पर जो है टोटल 150 मार्क्स का ये पेपर होता है। 150 मार्क्स में से 60 मार्क्स करें तो जो आपके हैं सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं, और 90 मार्क्स का जो होता है आपका जनरल सेक्शन यहाँ पर दिया जाता है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है आपके सब्जेक्ट में अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हो, आपके सब्जेक्ट में आपका अच्छा मार्क्स आ जाता है, तो आप जो है जो आपका जनरल सेक्शन होता है उस पर कम जो है बर्डन पड़ता है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो है आपके लिए काफ़ी, क्योंकि PGT का स्पेशली मैं यहाँ बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर जो है आपका सब्जेक्ट आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, जिसकी वजह से बाकी टॉपिक्स पर आपका बर्डन कम हो जाएगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे जो अपना सब्जेक्ट था उसमें ही मैंने 48 मार्क्स यहाँ पर जो है गेन कर लिए थे, जिसकी वजह से मेरा जो जनरल सेक्शंस पर था वो बर्डन कम हो गया था और मैं अच्छा स्कोर कर पाई थी। तो आपका सब्जेक्ट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो अगर हम बात करें एस्टेट के लिए NCERT में अगर हम बात करें 60 मार्क्स में से अबाउट 40-45 क्वेश्चन तो NCERT से ही पूछे जाते हैं, NCERT से बाहर नहीं आते हैं। तो आपको मोस्ट ऑफ जो आपका जो करना है, आपको ज़्यादा ध्यान देना है वो NCERT पर ही देना है। ठीक है, आपने MSc करा है तभी आप जो है PGT का एग्ज़ाम यहाँ पर दे रहे हो, तो आपका जो है कुछ बेसिक्स वहाँ से भी क्लियर हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस आप कराते हो, तो आप मेरे हिसाब से जो है मोस्ट ऑफ जो आपके MSc के नोट्स होते हैं या फिर और आपकी NCERT जो होती है, आप उसी पर जो है ज़्यादा जोर वहाँ पर दीजिए। आप इससे बाहर मत जाइए कि यार ये 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन बाहर से आ गए हैं तो मुझे बाहर से पढ़ना चाहिए, नहीं, उसके लिए नहीं ज़रूरी है। आप NCERT से ही करोगे तो आपका काफ़ी फिक्स या जो काफ़ी अच्छा स्कोर जो है यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो NCERT जो है एस्टेट के लिए इनफ रहेगी मेरे अकॉर्डिंगली, क्योंकि मैंने सिर्फ NCERT से ही पढ़ा था फॉर द एस्टेट। फर्स्ट टाइम जब मैंने किया था तो जो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैंने जो है एक्चुअली अपने सब्जेक्ट पर ही ध्यान नहीं दिया था, मैं जनरल सेक्शंस पर ज़्यादा जोर वहाँ पर डाल दिया था, जिसकी वजह से जो है मेरा सब्जेक्ट जो है अच्छा स्कोर नहीं हो पाया था और मेरा स्टेट क्वालिफाई नहीं हो पाता। तो सबसे ज़रूरी है आपको अपने सब्जेक्ट को क्वालिफाई करना, सब्जेक्ट के ऊपर अच्छा स्कोर करना। अगर आप सब्जेक्ट को अच्छा कर लेते हो तो आपका जो है जनरल सेक्शंस में थोड़ा बहुत नंबर ऊपर नीचे होता है तो आप क्वालिफाई कर जाते हो। ठीक है, तो दूसरी गलती जो मैंने करी थी फर्स्ट टाइम पर वो था प्रीवियस ईयर पेपर। एस्टेट के लिए आप ना प्रीवियस ईयर पेपर उठा कर देख लीजिए,
रिपीटेड क्वेश्चन विद सेम लाइन विद सेम ऑप्शन जो है वहां पर क्लियर होते हैं, तो प्रीवियस ईयर पेपर तो वहां पर आपको करते ही जाने हैं। और आपको ज्यादा ध्यान वहां पर देना है कि कौन सा टॉपिक से कितने क्वेश्चन वहां पर पूछे जा रहे हैं, तो ये भी, और कहीं ना कहीं जो टॉपिक्स होते हैं वहीं से आसपास ही पूछे जा रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर वहां पर काफी जो है इंपॉर्टेंट रहेंगे जो आपको क्वालिफाई करना होगा। क्योंकि मेरे 2023 में मैं बात कर रही हूँ, लगभग 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो रिपीटेड हुए थे, ठीक है। 2022 के अंदर भी जो है क्वेश्चन रिपीटेड रहे थे विथ सेम स्टेटमेंट्स एंड सेम ऑप्शन, ठीक है। तो वहां पर जो है आपको आपका प्रीवियस ईयर पेपर भी जो है करना ही करना होगा। ये गलती भी आप जो है बिल्कुल भी मत करिए कि यार रहने देते कोई बात नहीं हो जाएगा, नहीं एनसीईआरटी नहीं करनी है, प्रीवियस ईयर भी आपको जो है यहाँ पर करना ही होगा। और टॉपिक वाइज जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने भी जो है वहां पर लास्ट टाइम अपनी कुछ जो क्वेश्चन थे उसको अपने यूनिट वाइज डिवीजन किया था, यूनिट वाइज मैंने क्वेश्चन को अलग कर लिया था और मैंने चेक किया था कि कौन कौन से यूनिट से अलग अलग बन रहे हैं। एक्चुअली इस पीडीएफ पर मैं जो है वर्क कर रही हूँ, जल्दी जो है इससे रिलेटेड वीडियोस भी आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेगी, तो आप जो है थोड़े दिनों बाद देखेंगे कि मैं आपको टॉपिक वाइज स्टेट के लिए जो है क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगी कि प्रीवियस ईयर में कौन से यूनिट से कितने क्वेश्चन बने थे और कौन कौन से क्वेश्चन बने थे, ठीक है। दूसरी और अगर हम बात करें तो यहाँ पर एस्टेट के लिए रहेगा कि आप जो है जो जीके वाला पोर्शन होता है उस पर ज्यादा ध्यान ना दें, ठीक है। मेन जो जीके वाले था उसके ऊपर आप जो दो तीन टॉपिक्स होते हैं वहीं पर ही ज्यादा ध्यान दें। एक तो सबसे पहले जो होता है हमारा हाईवेज पे, ठीक है, हाईवे से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और एक कौन सा जो आजकल प्रेजेंट में कोई एक ऐसी बात उठी हो विद इन 2-3 मंथ्स के अंदर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और गेम से रिलेटेड पूछे जाते हैं, ठीक है। जो पैरालंपिक्स गेम जैसे इस बार आ रही हैं, ओलंपिक्स आ रहे हैं, या फिर चेस से रिलेटेड जो गेम्स आ रही है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है एक या दो आपको 100% यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। तो जीके पर भी जो है करंट अफेयर्स जो वाला 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उस पर भी ज्यादा ध्यान ना देकर आप जो है इंग्लिश हिंदी और पेडागोजी पर ध्यान दे सकते हो, क्योंकि अगर आप 45+ अपने सब्जेक्ट में रहते हो तो आपको 45 मार्क्स ही चाहिए होते हैं, और पेडागोजी जो है 30 मार्क्स की होती है और इंग्लिश हिंदी भी 30 मार्क्स की होती है, तो वहां से भी आपका अच्छा स्कोर बन जाता है। मेरे पेडागोजी के अंदर भी जो है यहाँ पर 23 मार्क्स बने थे, तो मेरा काफी बर्डन मैंने इसी पर ध्यान दिया था कि एक अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर मैंने ध्यान दिया था, एक पेडागोजी के ऊपर, और तीसरा जो है मैंने इंग्लिश हिंदी के ऊपर यहाँ पर ज्यादा ध्यान दिया था। और रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं आप जल्दी जल्दी इसको करने की कोशिश करें, 5-6 क्वेश्चन बहुत आराम से बन जाते हैं, ज्यादा उस पर टाइम वेस्ट ना करें कि मुझे निकालना ही निकालना है, क्योंकि इसे टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। इसी तरह आपका जीके का भी हो जाता है, वहां से 3 या 4 नंबर पे अगर आप आ जाते हैं तो आप बहुत आराम से जो है स्टेट क्लियर कर सकते हैं। ये तो ये जो कुछ पॉइंट्स थे मैंने आप लोगों को बताए जो मैंने फर्स्ट टाइम जो है गलतियां करी थी, और नेक्स्ट टाइम मैंने गलतियां नहीं करी, और जिसकी वजह से मेरा काफी अच्छा स्कोर आया था। तो एस्टेट से रिलेटेड वीडियो जो है अब मैं अपने रेगुलरली अपने चैनल पर जो है डाला करूंगी, इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है यूनिट वाइज हम बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और कौन से यूनिट से कितने क्वेश्चंस बनते हैं फॉर द एग्जाम। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलें। अगर आप जो है चाहते हैं कि मैं डेली जो है अपने चैनल पर एस्टेट पीजीटी बायोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस डालूं, तो साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना और एक कमेंट करके जरूर बताना कि आप जो है इससे रिलेटेड वीडियोस चाहते हैं या नहीं। साथ ही साथ आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर जो है आपको एस्टेट से रिलेटेड डेली अपडेट्स और जो है स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।